की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा की एक डांस के साथ, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जस्ट पीछे राहुल गांधी जी है। मैं सोचूंगा कि थोड़ा पीछे चलूं, आगे नहीं चल रहा, पीछे रहेंगे तो ज़रा सही रहेगा। ये आज से दो दिनों के बाद यहाँ पे शुरुआत हो गई है, दिग्विजय सिंह जी भी आ गए, ये नहीं थे अभी, आगे गया दिग्विजय सिंह भी आ गए, ये नहीं थे अभी, लेकिन अभी ये कई दिनों के बाद, दो चार पाँच दिनों के बाद यहाँ से लौट के आए। ये एमएलए एमपी है केरला की जो मैडम है। आज की शाम यहाँ से शुरू और पब्लिक की भीड़ दोनों तरफ, दोनों साइड देख लीजिए। एक बात और कहने को बहुत आई है, सुनने में आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि भाड़े की भीड़ है, लेकिन जहाँ तक मैं यहाँ से कई दिनों से कवर कर रहा हूँ, लोगों का जुनून देखिए, कितना जुनून है लोगों में राहुल गांधी जी को देखने के लिए। नीचे कीचड़ है फिर भी लोग खड़े होकर के देख रहे हैं कीचड़ में। यहाँ देखिए, यहाँ कीचड़ है, कीचड़ में पानी में खड़े हुए हैं लोग, इस तरह से भरा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी को देखने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये भाड़े की भीड़ तो नहीं कर सकते इसको, जिस तरह से लोगों का जुनून है यहाँ पर, और हर दिन की तरह एक नई शुरुआत और एक भीड़ के साथ राहुल गांधी जी का यहाँ पे भव्य स्वागत। केरला के लोग बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं, और एक संस्कृति कार्यक्रम के तहत, संस्कृति कार्यक्रम आपको दिखाई दे रहा होगा उस तरफ जो चल रहा है, मैं उस तरफ जाते हैं। एक संस्कृति कार्यक्रम के साथ मैं हो लिया हूँ, और पीछे जो यहाँ का केरला का खुद अपना एक लुक है, जो एक स्पेशल ड्रेस के साथ ये लोग तबला बजाते हैं, पता नहीं तबला ही होता है, और उसके साथ मैं हो लिया हूँ। एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दिया गया ताकि एम्बुलेंस निकल जाए, और लोगों ने काफ़ी हेल्प की एम्बुलेंस को निकलने के लिए। एक संस्कृति कार्यक्रम जो केरला का है उसका आनंद लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से यात्रा शुरू होगी, अभी यात्रा की शुरुआत होनी है यहीं से। मैं थोड़ा जो संस्कृति कार्यक्रम है यहाँ का वो शुरू हो गया, और आगे आगे यात्रा का बस कुछ ही क्षणों में, लम्हों में ये कार्यक्रम शुरू होगा, पैदल यात्रा शुरू होगी, लेकिन लोग संस्कृति कार्यक्रम जो यहाँ का वो चल रहा है, यहाँ से शुरू हो गया लगभग। ये जो आप देख रहे हैं पीछे हमारे, यहीं पर राहुल गांधी जी हैं, और कुछ ही क्षणों में, कुछ सेकंड में अभी यहाँ से यह यात्रा शुरू होगी। अभी अभी यात्रा शुरू हुई है और सबसे आगे हूँ मैं आपको आज दिखाऊँगा कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके चलता है। ये जो लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, ये लोग खड़े हुए हैं केवल देखने को राहुल गांधी जी को, और अब इस तरफ आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दिग्विजय सिंह जी आगे हैं सबसे, और इसको लीड कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, और सबसे शुरुआत जो पहले होती है इसी से होती है कि एक लाइन बना करके लोग चलते हैं, जो दिल्ली से आए हुए लोग हैं 119 लोग, उसमें कुछ और पीछे हैं, दो लाइनें होती है, दो लाइनें होती है और दो भाग में होता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह भारत जोड़ो यात्रा स्टेप बाय स्टेप आगे निकलता है, और शुरू से लेकर के अंत तक की वीडियो में आपको डिटेल दिखाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा आपको कि किस तरह चलता है ये। यहाँ पे कुछ लोग हैं भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगा रहे हैं, देख लीजिए हमारे पीछे, और ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह जी यहाँ है, अगर आप देख लेंगे तो यहाँ देख, दिग्विजय सिंह जी यहाँ है, आगे निकल के ये भारत जोड़ो यात्रा के यात्री अब निकल पड़े हैं, यानी शुरुआत यहाँ से हुई है। ये पहला, पहले जो आप देख रहे हैं पहला स्टेप है, जो 19 लोग हैं, 119 लोग ये उनमें से है जो सबसे आगे निकले, राहुल गांधी जी अभी पीछे हैं। जो सारे लोग हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, और इसमें आपको एक बड़े बड़े नेता भी मिलेंगे, जैसा मैंने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, कन्हैया कुमार का नाम लिया, बताया शुरुआत पहले ही हो गई है। कुछ जो कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, 119 में से जो पहला जत्था बड़ा जत्था था वो निकल चुका है, और उसमें से जो कुछ लोग बाकी है वो अब निकल रहे हैं। ये संस्कृति के साथ केरला के लोग राहुल गांधी को स्वागत कर रहे हैं और नेक्स्ट विदाई दे रहे हैं। केरला की संस्कृति आपको देखने के लिए, देखिए केरला की संस्कृति कितनी खूबसूरत है। ये जो गाड़ी आपको दिख रही है छतरी वाली, ये कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम है, प्राइवेट मीडिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं गया, मैं नहीं जाता इसमें, क्योंकि मुझे ग्राउंड में उतर के कवर करना होता है। ये वो लोग होते हैं जिनको लाइव दिखाना होता है। खाली रखा गया है, और यहाँ पे हाथों को कभी रस्सियों लगाए, रस्सी लगाई जाती है, कभी हाथ से ही इसको घेर दिया जाता है, आज हाथ से ही घेरा हुआ है इसको।
और बीच में जगह खाली है राहुल जी के आने के लिए। इसके साथ यहाँ के लोकल नेता और पवन खेरा जी भी है उनके साथ। कुछ ज़्यादा ही निकलती हुई, बड़ी भीड़ होती है इसके लिए उसके साथ मैं नहीं निकल सकता। और राहुल जी अभी अभी आगे गए हैं, जो गाड़ी जा रही है उसी के पास है, और उसके बाद उसका जो पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये लोकल टीम है, ये कांग्रेस की है, लोकल लोग वो लोग हैं जो यहाँ से लोकल केरला से जुड़े हुए हैं या अलग अलग ज़िलों से केरला के जुड़े हुए हैं। आप दिल्ली के लोग काफ़ी कम है इसमें, यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये ज़्यादातर केरला के हैं। आप फेस से ही पता चल सकता है आपको, आप अगर फेस देख लेंगे उससे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये ज़्यादातर लोग इसमें केरला के हैं, लोकल लोग हैं जो इस यात्रा में जुड़े। लगभग पूरे केरला से लोग यहाँ पे आते हैं और जुड़ते हैं, अलग अलग ज़िलों से आते हैं, हर ज़िले से आकर के यहाँ पर जुड़ते हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन ये भीड़ आप देखिए कब से ये चल रही है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि आगे निकल गए हैं। आप देखिए यहाँ तक लोगों को रोड नहीं मिल पा रहा, रोड छोड़ करके इधर उधर से कूद करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ एक झंडे के साथ और एक साइड राहुल जी के साथ पीछे पीछे जाते हुए भीड़, अभी भी आपको काफ़ी भीड़ दिखेगी पीछे, काफ़ी लोग पीछे आ रहे हैं। दूर पैदल चलने के बाद थक से जाते हैं लोग, देखिए नंगे पाँव हैं, थकान सी हो गई है, चल नहीं पा रहे, पाँव में शायद दर्द है इनको, और लेकिन हौसला नहीं टूटा, चलते जा रहे हैं। एक घंटा लगभग हमने पैदल चल लिया है और शाम ढल गई है। के साथ है हमारा राहुल जी के साथ है, ठीक है अच्छी बात, कांग्रेस का साथ है, ठीक है अच्छी बात है सर जी, बराबर है, बराबर ये सब जगह हमारा दोस्त लोग सब है, उसको दिखा देना ये सब। मैं थक गया हूँ लेकिन इनकी बातों से नहीं लगता है कि ये लोग थके हुए हैं, गाने गा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, देख लीजिए कितने धुन में, अपनी धुन में मस्त है ये लोग। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जैसे राहुल गांधी जी डेली कुछ समय के लिए किसी होटल या रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, खाने वाला होटल, कॉफ़ी शॉप, यहाँ आज इंडियन कॉफ़ी हाउस पर रुके हुए हैं कुछ समय के लिए। और इनके जो समर्थक हैं जो यहाँ के लोकल हैं वो लोग यहाँ पे अपना इंजॉय कर रहे हैं। और बोरे बोरे मलयालम में बहुत अच्छा गाना चलता हुआ गाते हुए, जब आप खुद गाते हैं ना किसी गाने को तो उसका इंजॉय करने का मज़ा ही अलग होता है। ये एक बहुत खूबसूरत चर्च, और यहाँ पे लोग चर्च के बाहर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब राहुल गांधी जी यहाँ से गुजरेंगे और उनको देखने का मौका मिलेगा। ये हालांकि अंधेरे में इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन लोग घंटों इंतज़ार करते हैं, एक घंटे दो घंटे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो सुबह से इंतज़ार करते रहते हैं कि कब देखने को मिले। और राहुल गांधी जी को यहाँ पर माना भी बहुत जाता है, जैसे आप देख रहे हैं किस तरह से लोग रोड के किनारे खड़े हैं, जबकि यहाँ पर घर भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत कम घर है यहाँ पर, एक चर्च है और थोड़ा सा पीछे है, कहें तो छोटी मार्केट है। और यहाँ पे लोग नंबर लगा करके एक लाइन से खड़े हुए हैं, जैसे लग रहा है कि कुछ बटने वाला है यहाँ पर, इस तरह से लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। जहाँ से राहुल गांधी जी गुजरते भीड़ वहीं पे लग जाती है, अभी पीछे है लेकिन लोग खड़े हुए हैं देखने के लिए, केवल उनका एक दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं, एक झलक देखने को मिल जाए। राहुल गांधी जी फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ आज नाइट टेस्ट करना है, उससे पहले एक भाषण होगा जो अभी कुछ दूर आगे पे जा कर के है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखते रहिए। आज का दिन का समापन यहीं पे हो रहा है, क्योंकि जब अंत 12-13 किलोमीटर चलने के बाद जब नाइट स्टे होता है तो नाइट स्टे से पहले राहुल गांधी जी खुद भाषण देते हैं और उसके साथ ही वो प्रोग्राम खत्म हो जाता है वहीं पे। फिर अगले दिन फिर इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा फिर से पैदल चलना चालू हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं, यानी अब इसका समापन आज के लिए समापन है यहाँ पर।